हेलो गेमर्स, तो यार कैसे हो आप सब। तो आई होप यार आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, बिकॉज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल लाइट की सेटिंग्स के बारे में। बिकॉज काफ़ी सारे बंदों को पता ही नहीं होता है कि किस वाली सेटिंग से क्या होता है, एंड नॉर्मली बंदों की जो सेटिंग होती है वो सेम ही होती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड नॉलेज देने वाला हूँ सेटिंग्स के बारे में, एंड बताऊँगा कि आपको कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए जो आपको गेम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। तो वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है एम असिस्ट। अब एम असिस्ट का क्या यूज होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी मेरा जो एम असिस्ट है वो हैवी पे है। अब मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे मान लो मेरे सामने कोई एनिमी आता है एंड मैं उस एनिमी के ऊपर फायर करता हूँ और मेरा जो एम है वो एनिमी पे ना होकर उसके साइड में कहीं पे होता है, तो मेरा जो ऑटोमेटिकली एम असिस्ट की सहायता से मेरा जो एम है ऑटोमेटिकली एनिमी की चेस्ट या हेड पर चला जाएगा एंड मैं उस एनिमी को काफ़ी इजीली मार दूंगा। और वहीं पर यदि मैं अपने एम असिस्ट को क्लोज कर देता हूँ तो इससे क्या होगा कि मेरा जो एम है वो एनिमी पे ना होकर उसके साइड में कहीं पे होता है और मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ, तो मेरा जो ऑटोमेटिकली एम उसके चेस्ट या हेड पर नहीं जाएगा एंड यदि मेरा एम सही नहीं रहा तो सामने वाला एनिमी मुझे काफ़ी इजीली मार देगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि आप अपनी टीम के साथ खेलते हो और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा किल करें तो इसे आपको हैवी या मीडियम पर रखना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हैवी पर रखें, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी एनिमी को काफ़ी इजीली मार दोगे एंड काफ़ी ज़्यादा किल निकाल सकते हो आप क्लासिक मैचेस में। जैसे आपको कोई कम्पिटेटिव मैचेस वगैरह खेलना है उसके प्रैक्टिस के लिए आपने इसे क्लोज किया है तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। बाकी आपको नॉर्मली क्लासिक मैचेस वगैरह खेलना है और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा किल करें तो आप इसे हमेशा हैवी पर रखें। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है, इसका नाम है ब्लॉक साइट बाइंडिंग। अब इस वाली सेटिंग के बारे में भाई आधे से ज़्यादा बंदों को पता ही नहीं होता है। तो इस सेटिंग का देखो बेसिकली क्या यूज होता है। अभी मेरी यह सेटिंग इनेबल है और इनेबल होने के बाद आप देख सकते हैं मैं इस वाली बॉल के पास आया एंड यहाँ पर एक वार्निंग का निशान बन के आ चुका है कि मैं यहाँ पर फायरिंग नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर यदि मैं इस वाली सेटिंग को डिसेबल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉसियर का निशान आ चुका है, जिससे मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पर फायरिंग कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर फायरिंग नहीं कर सकता हूँ। तो इसे आपको हमेशा इनेबल ही रखना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहाँ पर आप फायरिंग कर सकते हैं एंड कहाँ पर आप फायरिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है बोल्ट एक्शन राइफल फायरिंग मोड एंड शॉटगन फायरिंग मोड। इन दोनों सेटिंग का सेम ही काम है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉटगन फायरिंग मोड के बारे में समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो सेटिंग है वो यहाँ पर टैप पर है। अब इससे क्या होगा कि जब भी मैं शॉटगन चलाऊँगा तो मैं जैसे ही फायरिंग वाले बटन पर टैप करूँगा मेरी शॉटगन चल जाएगी, यानी मुझे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ टैप करना है और मेरी शॉटगन चल जाएगी। वहीं पर मैं यहाँ पर इस वाली सेटिंग को रिलीज पर कह देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि जब तक मैं फायरिंग वाले बटन पर टैप करके रखूँगा तब तक मेरी शॉटगन नहीं चलेगी एंड जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो मेरी शॉटगन चल जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब तक आप टैप करके रखोगे फायरिंग वाले बटन पर तो आपकी शॉटगन नहीं चलेगी एंड जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपकी शॉटगन चल जाएगी। तो आप इसे जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, टैप या रिलीज कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है यह है पीक एंड फायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो सेटिंग है यहाँ पर इनेबल है, तो मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर पीक एंड फायर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर यदि मैं इस वाली सेटिंग को डिसेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे जो पीक एंड फायर के ऑप्शन है वो गायब हो जाते हैं। तो इसे आपको हमेशा इनेबल ही रखना है, काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं पीक एंड फायर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है यह है पीक एंड ओपन स्कोप। अब देखो इसका क्या यूज होता है, आप जैसे पीक कहते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्कोप है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। आप पीक करोगे आपका जो स्कोप है ओपन नहीं होगा। और वहीं पर आप इस वाली सेटिंग को इनेबल कर लेते हो तो क्या होगा कि जैसे ही आप पिक करोगे तो जो आपका स्कोप है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप पहले पिक करो फिर स्कोप को ओपन करो, आप जैसे ही पिक करोगे आपका स्कोप ओपन हो जाएगा। तो यह भी सेटिंग आपको हमेशा इनेबल रखनी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है पिक ऑप्शन। अब देखो इसका क्या यूज होता है कि जैसे ही आप पिक वाले बटन पर टैप करते हो तो आपका पिक हो जाता है सिंपली एंड वहीं पर यदि आप दोबारा से पिक वाले बटन पर टैप करते हो तो आपका पिक हट जाता है। मतलब आपको सिंपली एक बार टैप करना है पिक वाले बटन पर तो आपका पीक हो जाएगा। और वहीं पे आप इस वाली सेटिंग को होल्ड पे कर लेते हो तो इसका क्या होगा कि जैसे मान लो आप पीक वाले बटन पे जब तक आप टैप करके रखे होगे तब तक आपका पीक रहेगा एंड जैसे ही आप पीक वाले बटन को छोड़ोगे तो आपका पीक हट जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होगे कि जब तक आप पीक वाले बटन पर टैप करके रखे रहोगे तब तक आपका पीक रहता है एंड जैसे ही आप छोड़ देते हो पीक वाले बटन को तो मतलब आपका पीक हट जाता है। तो आप इसे जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है यह है स्कोप मोड।
अब देखो इसका क्या यूज होता है, जैसे आप स्कोप वाले बटन पे एक बार टैप करते हो तो आपका स्कोप ओपन हो जाता है, एंड जैसे आप दोबारा से टैप करते हो तो आपका स्कोप बंद हो जाता है। वहीं पे यदि आप इस वाली सेटिंग को होल्ड पे कर लेते हो तो आप जब तक स्कोप वाले बटन पे टैप करके रखे रहोगे, मतलब होल्ड करके रखे रहोगे, तब तक आपका स्कोप ओपन रहेगा, एंड वहीं पर जैसे ही आप स्कोप वाले बटन को छोड़ोगे तो आपका स्कोप बंद हो जाएगा। वही सेम काम है जो मैंने आपको पीक ऑप्शन में समझाया। और यदि आप इस वाली सेटिंग को मिक्स पर कह देते हो तो इससे क्या होगा कि यह टैप और होल्ड दोनों का काम करेगा, मतलब एक बार यदि टैप करोगे तो स्कोप ओपन होगा, एंड दोबारा से टैप करोगे तो स्कोप बंद हो जाएगा, एंड यदि आप इसे स्कोप को होल्ड करके रखे रहोगे, मतलब टैप करके रखे रहोगे, तो आपका स्कोप ओपन रहेगा, एंड जैसे आप छोड़ दोगे तो आपका स्कोप बंद हो जाएगा। मतलब मिक्स दोनों का काम करता है टैप और होल्ड का। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है, यह है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायरिंग बटन। अब देखो इसका क्या यूज होता है, अभी मेरी यह सेटिंग ऑलवेज ऑन पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फायरिंग वाला बटन है लेफ्ट वाला यहाँ पर शो हो रहा है। और यदि आप मैं इस वाली सेटिंग को स्कोप ऑन पर कह देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये जो फायरिंग वाला बटन है यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं जैसे ही स्कोप को ओपन करूँगा तो मेरा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फायरिंग वाला बटन है वो यहाँ पर आ चुका है। मतलब आप जैसे ही स्कोप ओपन करें तो तभी आपको लेफ्ट जो फायरिंग वाला बटन है लेफ्ट वाला वहीं शो होगा। और यदि आप इस वाली सेटिंग को क्लोज कर देते हो तो मतलब यह आपको फायरिंग वाला बटन शो नहीं होगा, चाहे आप इसको ओपन करो या ना करो, मतलब यह आपका लेफ्ट वाला फायरिंग वाला बटन गायब हो जाएगा। तो आप इसे जो भी करना चाहते कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग जायरोस्कोप है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह यहाँ पर क्लोज है। तो इसका क्या यूज होता है, जब भी आपको रिकॉल वगैरह कंट्रोल करना पड़ता है, आपको मूवमेंट वगैरह करनी पड़ती है, तो आपको अपने थंब से कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपने मोबाइल पर घिसना पड़ता है, तभी आपका जो भी कंट्रोल है वो होता है। एंड यदि आप इस वाली सेटिंग को स्कोप ऑन पर कह देते हो तो जब भी आप स्कोप ओपन करोगे एंड अपने मोबाइल को हिलाओगे तभी आपका जायरो बैक करेगा, यानी स्कोप ओपन कहते समय ही आपका जायरो बैक कहता है। और यदि आप इसे ऑलवेज ऑन पर कह देते हो तो आपका जो भी कंट्रोल वगैरह है वो आपको सब कुछ मोबाइल से करना पड़ता है, मतलब आपको मोबाइल को हिलाते हुए सब कुछ आप कंट्रोल कर पाओगे। आप स्कोप ओपन करोगे तब भी जायरो बैक करेगा, एंड जब आप स्कोप ओपन नहीं करोगे तब भी आपका जायरो बैक करेगा। एंड आप लोगों ने सुना ही होगा जो बंदे भाई जायरो यूज करते हैं वो काफ़ी अच्छे से अपने रिकॉल वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि आप लोग जायरो यूज नहीं करते तो भाई यूज करना स्टार्ट कर दो, काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है ऑटो ओपन डोर। तो आपको इसका यूज पता ही होगा, यदि आप इसे इनेबल रखते हो तो जो डोर हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, और यदि आप इसे डिसेबल रखते हो तो आपको भाई एक एक डोर ओपन करना पड़ता है, तो इसे आप हमेशा इनेबल ही रखें। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है हील प्रमोट। अब देखो इसका क्या यूज होता है, जब भी आपकी हेल्थ 75% से कम होती है तो आप जहाँ से हील कहते हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली बैंडेज आ जाती है। यदि आपके पास बैंडेज है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली बैंडेज सेलेक्ट हो जाएगी। एंड वहीं पर यदि आपकी 50% से कम हेल्थ है, मतलब आधी से ज़्यादा कम हेल्थ है, तो वहाँ पर आपके पास यदि फर्स्ट एड है तो ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पर फर्स्ट एड आ जाएगी, आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसे डिसेबल या इनेबल कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है स्लाइड। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्लाइड का यूज हम TDM में कहते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही TDM को PUBG लाइट से हटा दिया गया है। अब देखो यदि आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो आप TDM में स्लाइड कर सकते हैं, मतलब आपको क्राउच वाले बटन को दबाए रखना है तो आप स्लाइड कर पाओगे। और यदि आप इस सेटिंग को डिसेबल रखते हैं तो आप स्लाइड का यूज नहीं कर पाओगे TDM में। जब TDM आ जाएगा तब आप इस मतलब स्लाइड का यूज कर पाओगे। फिलहाल अभी TDM को PUBG लाइट से हटा दिया गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है क्विक सेकेंडरी वेपन। अब देखो इसका क्या यूज होता है, यदि आप इसे क्लोज रखते हैं तो जो पिस्तौल होती हैं वो हमारा जो करेक्टर है उसे पिकअप कर लेगा, मतलब उसे उठा लेगा। और यदि आप इसे ओपन कर देते हैं तो जो पिस्तौल होती हैं उन्हें हमारा करेक्टर नहीं उठाएगा। तो आप इसे क्लोज या ओपन कुछ भी रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है यूनिवर्सल माइक। और यदि आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ पर एक माइक आता है, आप देख सकते हैं यह वाला माइक, यह हमें शो होगा। और यदि आप इसे डिसेबल कर देते हो तो यह माइक गायब हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे इनेबल रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। जैसे आपको किसी भी चीज़ को माइक करना है, आपको अपने टीममेट को बताना है कि यहाँ पर एक गन है, तो आपको सीधा उस पर क्रॉसियर को ले जाना है एंड एक क्लिक करना है तो वो माइक हो जाएगी। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले आपको क्रॉसियर को उस मतलब किसी भी गन को जैसे माइक करना है उसके ऊपर क्रॉसियर को ले जाना पड़ता था, एंड आपको अपने मैसेंजर को ओपन करना पड़ता था, एंड तब जाके आप किसी भी चीज़ को माइक कर पाते थे।
तो आप इसे हमेशा इनेबल रखे, काफी ज्यादा काम में आता है यूनिवर्सल मार्क। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है, अलाउ एड्रेस टू सीओ रिजल्ट। अब देखो इसका यदि आप इसे इनेबल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके जो टीममेट हैं एंड अदर जो बंदे हैं वो आपका रिजल्ट देख पाएंगे कि आपने किसके साथ मैच खेला एंड आपकी क्या पोजीशन रही। और यदि आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आपके जो टीममेट एंड अदर जो बंदे हैं वो आपका रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। तो आप इसे डिसेबल या इनेबल कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है, शो बिना पास इन्फॉर्मेशन। अब देखो इसका क्या यूज होता है, यदि आप इसे इनेबल किए हुए हैं तो कोई बंदा यदि आपकी प्रोफाइल चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपने बिना पास खरीदा है या नहीं। और यदि आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो कोई बंदा भाई पता ही नहीं कर पाएगा कि आपने बिना पास खरीदा या नहीं, क्योंकि वहाँ पर शो ही नहीं होगा कि आपने बिना पास खरीदा भी है या नहीं। तो इसे आप डिसेबल या इनेबल रख सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग है एयर प्लान फिनिश ओपीटी इन। अब देखो इसका क्या यूज होता है, जब भी हमारा मैच स्टार्ट होता है एंड जैसे ही हम एयर प्लान में बैठते हैं तो जिन बंदों की सबसे ज़्यादा WP होती है उन बंदों का नाम एयर प्लान में आता है। और यदि आपकी भी WP सबसे ज़्यादा है एंड आप चाहते हैं कि आपका भी नाम एयर प्लान में आए तो आप इसे इनेबल रख सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम एयर प्लान में ना आए तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है क्विक आइटम। और यदि आप इसे क्लोज कहते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो गेनेट को यदि आप सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करने के बाद वो हमारे फायर वाले बटन पे आ जाते हैं एंड जहां भी हमें गेनेट फेंकना है हम वहां पर फेंक सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे ओपन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि गेनेट पर मतलब कुछ इस टाइप से निशान आ जाएगा और आपको यदि गेनेट वगैरह फेंकना है तो आपको इसके ऊपर होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर टैप करके रखना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें जहां भी गेनेट फेंकना है वहां पर हम फेंक सकते हैं। तो इसे आप हमेशा क्लोज रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि यदि आप इसे ओपन करके रखें तो यदि हमारा मतलब टच भी हो जाता है गेनेट के ऊपर तो क्या होगा, गेनेट ऑटोमेटिकली फेंक जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कहता है। तो इसे आप हमेशा क्लोज ही रखें। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है हिट मार्क। अब देखो इसका क्या यूज होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपका कोई टीममेट है किसी एनिमी को मार रहा है लेकिन आपको वह एनिमी नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर है एनिमी, लेकिन यदि आपने यह सेटिंग को ओपन किया है तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपका एक मतलब आपका जो टीममेट है उस एनिमी को एक बुलेट टच करेगा वहाँ पर एक मार्क बन जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि एनिमी कहाँ पर है। आपने देखा होगा कि एनिमी से ऐसा कुछ मतलब मार्क बन जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि एनिमी कहाँ पर है। लेकिन यदि आपने इसे क्लोज किया हुआ है एंड आपका एनिमी मतलब आपका जो टीममेट है किसी एनिमी के ऊपर फायर कर रहा है तो वहाँ पर कोई भी मार्क नहीं बनेगा एंड जब तक हमारा टीममेट हमें नहीं बताएगा कि बंदे कहाँ पर हैं हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसे आप हमेशा ओपन ही रखें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है यह सेटिंग। तो आई होप आप लोगों को ये सारी सेटिंग समझ में आ गई होगी। यदि कोई सेटिंग आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो भाई ट्राई करना चैनल को सब्सक्राइब करने का, बिकॉज भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है इस वाली वीडियो में। एंड मैं मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।